बक्सर के डुमराव से विधायक और जदयू नेता ददन पहलवान ने एक बार फिर से राजद पर बड़ा हमला बोला है। ददन पहलवान ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि राजद पॉकेट की पार्टी है और पैसे लेकर टिकट बांटती है। ददन पहलवान ने कहा कि पिछली बार नीतीश कुमार की मेहरबानी से राजद को 80 सीटें मिल गई थी, लेकिन इस बार आंकड़ा 15 के पार भी नहीं पहुंच पाएगा। पिछले दिनों राजद को लगे झटके पर प्रतिक्रिया देते हुए ददन पहलवान ने कहा कि यह कभी संभव नहीं कि लड़कों के सामने बड़े नेता आगे पीछे करे, ऐसे में उस पार्टी में अब किसी का सम्मान नहीं रहा। रघुवंश प्रसाद के पद से इस्तीफा पर प्रतिक्रिया देते हुए ददन पहलवान ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह देश के बड़े नेता है, लेकिन इस पार्टी में उनका अब सम्मान नहीं रहा। इतना ही नहीं, ददन पहलवान ने राजद के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी पार्टी छोड़ देने की सलाह दी और कहा कि जगदानंद ने शाहवाद का बड़ा नेता होने के बावजूद भी अपना राजनीतिक जनाधार खो दिया है। रघुवंश जी के लायक वो पार्टी अब रह नहीं गई है, इसलिए कि लड़कन के पीछे उनका घूमना शोभा भी नहीं देगा। देख रहे हैं कि वो राजपूत समाज के एक बड़ा लीडर है बिहार के, अब बिहारे नहीं पूरे देश में मानते हैं, और वह ग्रामीण विकास में अच्छा काम भी पूरे भारत के अंदर किए हैं, इसलिए वो मतलब कि इन लोग के पीछा घूमना अच्छा नहीं समझ रहे हैं। देख ही रहे हैं अभी तो एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता जी बने हैं तो क्या क्या दुर्गति होता है, कोई भी बोल देता है। आपको देखें तेज प्रताप भी बोला कि जो एक मामला आया था तो उस मामला पर बोला कि जगता जी अपना औकात में रहिए, तो ये अपना राजनीतिक अस्तित्व हमारे शाहबाद के नेता जगता सिंह भी हैं, जगता सिंह के लोग मानता है, लेकिन ये अपना अस्तित्व अब मिटा दिए, इसलिए कि इनका अब राजनीतिक अस्तित्व कोई बचा ही नहीं। ददन पहलवान ने दावा किया कि आने वाले समय में और भी कई बड़े नेता राजद को छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामेंगे। उनका कहना है कि बड़े नेताओं का राजद के अंदर कोई मान सम्मान नहीं है, इसलिए अब यह पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। ददन यादव ने कहा कि लालू यादव का बनाया हुआ है MY समीकरण भी अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, बक्सर।